हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का ए के एस में मैं हूं अरविंद चलिए स्टार्ट करते हैं इलेवंथ चैप्टर साउथ इंडियन किंगडम्स पल्लवाज़ सबसे पहले इंट्रोडक्शन संगम एज के डिक्लाइन के बाद तमिल रीजन में कालाबराज का रूल लास्ट किया 250 फिफ्टी ईयर्स तक और उसके बाद पल्लवाज ने एक्स्टैब्लिश कर लिया अपना किंगडम तोडाई मंडलम में और उसकी कैपिटल हुई कांचीपुरम रूल कंटिन्यू टिल टोडामंडलमिंग ऑफ देंचुरी और याद रखिये हमने जो पहले बात करी थी वो थे संगम चोलास अब बात आ रही है इम्पीरियल चोलाजिन ऑफ पल्लवाज इसमें डिफरेंट थ्योरीज है डिफरेंट व्यूज हैं इनके ओरिजिन पे तो सबसे पहले देवर इक्वेटेड विद द पार्थिन वो फॉरनर्स थे जो वेस्टर्न साइड रूल कर रहे थे दूसरा व्यू कहता है पल्लवाज वर अ ब्रांच ऑफ द ब्राह्मण रॉयल डायनेस्टी ऑफ ऑफ द द थर्ड व्यू इनको रिलेट करता है एज डिसेंडेंट्स ऑफ द चोला प्रिंस एंड नागा प्रिंसेस और ये जो थ्योरीज हैं पल्लवाज पे दीज वर नॉट सपोर्टेड बाय एडिकुट एविडेंस तो यही माना गया फाइनली कि पल्लवाज वर द नेटिव्स ऑफ तोडाई मंडलम इट्स और यही एक्सेप्टेड व्यू है स्कॉलर्स में भी पल्लवाज इशूड देयर अर्लियर इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत एंड संस्कृत बिकॉज ऑफ देयर सतवाहना कनेक्शन एंड ब्राह्मणिज्म। पॉलिटिकल हिस्ट्री द अर्ली रूलर्स फ्रॉम टू फिफ्टी टू थ्री फिफ्टी चार्टर्स इन प्राकृत और इम्पोर्टेंट है शिव स्कंद विजय स्कंद रूल बिटवीन थ्री टू फाइव

Uh, चित्र मता विलासा मंगा दत्तु इंस्क्रिप्शन इनको विचित्र चित्र कहता है टेम्पल फॉर ब्रह्मा विष्णु एंड शिव विदाउट यूजिंग ब्रिक्स टिम्बर मेटल एंड मोटार हिज रॉक कट टेम्पल्स आर फाउंड इन नंबर ऑफ प्लेसेस लाइक वेलम त्रिचुरापल्ली और इन जगहों पर इनके टेम्पल्स मिलते हैं ही ऑल्सो ऑथर्ड द संस्कृत वर्कस मत्ता विलासा प्रहासनम हिज टाइटल चित्रकार पुली रिविल्स हिज टैलेंट्स इन पेंटिंग ही वॉज रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट इन म्यूजिक म्यूजिक के बारे में कुडुमिया मलाई का इंस्क्रिप्शन बताता है इनके बारे में नरसिम वर्मन वन नरसिम वर्मन वॉज ऑल्सो नोन एज ममला विच मीन्स ग्रेट रेसलर हिज विक्ट्री ओवर पुलकेसिन टू इन द बैटल ऑफ मनी मंगलम नियर कांची इज मैं इन कोरम कॉपर प्लेट्स और इन्होंने टाइटल लिया वटापी कोंडा नरसिम वर्मन वन वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ममलापुरम एंड द मोनोलिथिक रथाज वर इरेक्टेड ड्यूरिंग हिज रेन नरसिम वर्मन टू

एंड मेरी ट्रेड बहुत फ्लरिश हुआ इनके टाइम में राजा सिम्हा अज्यूम द टाइटल शंकरा भक्ता विद्या विद्याधरा एंड अगाम प्रिया द पल्लवा रूल लास्टेड टिल द एंड ऑफ नाइन्थ सेंचुरी और चोला किंग आदित्य वन ने लास्ट पल्लवा रूलर को हरा दिया उनका नाम था अपराजिता और इसी के साथ साथ पल्लव डायनेस्टी खत्म हुई अब आ जाते हैं पल्लवास के एडमिनिस्ट्रेशन पे पल्लवा स्टेट वॉज डिवाइडेड इन टू कोटम्स ये किंग के अंडर ही आते थे किंग वॉज द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और वो अपने मिनिस्टर्स के साथ रूल करते थे उनकी हेल्प से ही मेनटेन वेल ट्रेंड आर्मी ही प्रोवाइडेड लैंड ग्रेंट्स टू टेम्पल्स जिनको देवधाना कहते थे और ब्राह्मण्स को भी लैंड देते थे उनको ब्रह्मदे कहते थे लैंड टैक्स प्राइमरी सोर्स था गवर्नमेंट रेवेन्यू का और ब्रह्म और देवधाना यानी टेंपल को दिए जाने वाले लैंड और ब्राह्मण्स को दिए जाने वाले लैंड पे टैक्स नहीं लगता था ट्रेडर्स आर्टिजन कारपेंटर्स गोल्ड स्मिथ वीवर्स ये सब टैक्स देते थे गवर्नमेंट को द पल्लवा इंस्क्रिप्शन थ्रो मच लाइट ऑन विलेज असेंबलीज इनको सभास कहते थे और उनकी कमिटीज के बारे में डिस्कस करता है इंस्क्रिप्शन दे मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज लैंड एंड लुक्ड आफ्टर लोकल अफेयर्स और टेंपल्स को भी ये मैनेज करते थे

और इसी को कहते हैं भक्ति मूवमेंट दे कंपोज इन तमिल लैंग्वेज हाइम्स करती है इंपॉर्टेंस ऑफ डिवोशन और भक्ति और पल्लवा किंग्स जो टेम्पल्स बनाते थे उन्होंने भी रास्ता खोला इन दोनों को स्प्रेड होने का वैष्णविज्म एंड शैविज्म के स्प्रेड का पल्लवा आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं इट अ ग्रेट एज ऑफ टेम्पल बिल्डिंग पल्लवाज इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ एक्सकटिंग टेम्पल्स फ्रॉम द रॉक रॉक को काट के टेंपल बनाते थे ये इन्होंने डिस्कवर किया था द्रविड स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर ये पल्लवास के टाइम में शुरू हुआ था द डेवलपमेंट ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर अंडर द पल्लवास कैन वी सीन इन फोर स्टेजेस पहले स्टेज में महेंद्र वर्मन वन इंट्रोड्यूस द रॉक कट टेम्पल्स सेकेंड स्टेज ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेड इन द मोनोलिथिक रथाज एंड मंडपाज फाउंड इन ममूलापुरम और नरसिम वर्मन वन इसका क्रेडिट लेते हैं और उसके बाद वाली स्टेज में राज सिमा इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चरल वर बिल्ड यूजिंग सॉफ्ट सैंड रॉक्स कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची एंड शोर टेम्पल एट ममलापुरम द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस द लास्ट स्टेज ऑफ पल्लवा आर्ट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बिल्ड बाय द लेटर पल्लवास द वैकुंडा पेरोमल टेम्पल मुक्तेश्वरा टेम्पल माता गणेश्वरा टेम्पल

ये इसी टाइम को बिलोंग करती है एंड द कमेंट्री कॉल्ड दक्षिण कंपाइल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ वर्मन वन इन्होंने टाइटल लिया था चित्रकार पुली ये, ये, ये रथाज एट ममूलापुरम कैलाश नाथ टेम्पल एट कांचीपुरम और शोर टेम्पल ममलापुरम तो बस दोस्तों फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही थैंक यू सो मच प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए आप अपने फीडबैक कमेंट्स में भी दे सकते हैं थैंक यू सो मच प्लीज़ एके एस एडोटेक को सब्सक्राइब करके जाइएगा